हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रह्मन बीट्स। सो आज हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू बी अ मिलेनियर बट इन अ ऑटोमेटिक मैनर। अब यही मॉडल प्रेजेंट करा था टी हार्वेकर ने, और ये मॉडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं और वो ऑटोमेटिकली मिलेनियर बने हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया। वो सिस्टम क्या है वो आज हम बहुत ही कम शब्दों में इसे डिफाइन करेंगे। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू हैव टू पुट योर मनी इनटू अ जार। दैट मींस कि आपको अपने पैसे अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। सो पहला जार है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, जिसमें आपको 10% अपनी इनकम का या फिर सेविंग्स का या जो भी अर्निंग्स है वो उसमें डालनी ही डालनी है। सो दैट कि जब भी आपको फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप इसे निकालें, वरना आप इसे अपनी रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए कम से कम 10% का जो भी अर्निंग है, जो भी सेविंग्स है उसे निकाल सकें। द सेकंड इज नेसेसिटी अकाउंट। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज देयर बेसिक एमेनिटीज, सो दे डू नॉट सफर इन देयर लाइफ। फॉर दैट पर्पस दे हैव टू इन्वेस्ट इन द सेकंड जार व्हिच इज नेसेसिटी अकाउंट, and in that they have to invest at least 55% of their salary so that whenever whatever they want to do they are not suffering because of their basic amenities. The third account is also very important. The third account is LTSS. What does it mean? Long term सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग। दैट मीन्स कई बार हमें बहुत सारी चीजें लेने का मन करता है बट हमें पता नहीं होता कि ये हमारे बजट में है या नहीं। तो इसके लिए टी हार्वेकर ने बोला है कि इस पे आप 10% अकाउंट डेडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई घर लेना है या फिर मोबाइल लेना है या फिर आपको नई गाड़ी लेनी है, तो आपको खुद नहीं पता होता कि इसका बजट कितना होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लेनी है तो उसके लिए आप 10% अपनी इनकम से निकाल के उस अकाउंट में डाल सकते हैं। Now the next is, or we can say another jar where you have to invest is education account. Always you have to be a learner and for that you need money. So you don't have to think that where will I get that money for. You have to deposit at least 10% of your income as a saving for education. And when you do it, you know that how much amount you have which you can spend on your education without facing any crisis. Another account that is very important is play account. Play account मतलब कि हम अपनी लाइफ में बस इधर से उधर स्ट्रगल करते रहते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं बट हम उस पैसे को एंजॉय कर ही नहीं पाते। तो वो 10% आपकी हॉलीडे हो सकती है या फिर आपको अगर कोई नई चीज लेनी है या फिर आपको स्पा जाना है या फिर मूवीज जाना है तो या फिर बाहर खाना खाना है, तो वो अकाउंट होगा आपका प्ले अकाउंट जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एंजॉयमेंट, आपके एंटरटेनमेंट के लिए होगा। एंड द नेक्स्ट अकाउंट इज गिव अकाउंट। Give account means the sixth jar in which you have to invest 5% of your income, because donation should also be done. We should also help the needy. It's not about spending on your own self. It's about spending on others also. So when you do that, you feel satisfaction. So whenever you want to donate some money, you don't have to think for it because you have already saved that amount. So these were the six jars in which you can divide your income and you can be financially free or you can be financially independent over the period of years. So if you like this video, please smash the like button so that YouTube algorithm in videos ko thoda aur aage leke jaye. And if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you.